वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट इस वीडियो में हम फोर्थ सेमेस्टर सोशालोजी के क्वेश्चन पेपर की आंसर की आपके साथ शेयर करेंगे सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक अगर आपने हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी वहां से जाके आप किसी एक ग्रुप को ज्वाइन करें जहां से मैं अक्सर पी डी एफ्स मॉक टेस्ट और एजुकेशन रिलेटेड अपडेट्स आपसे शेयर करता रहता हूं सो so, हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ ये क्वेश्चन पेपर है ए सीरीज का स्टूडेंट्स को मैं बताऊं इस क्वेश्चन पेपर के चार सीरीज होते हैं ए बी सी और डी इन चारों सीरीज में एक तरह के क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ स्वीकैनस अलग अलग होती है कोई क्वेश्चन पहले होता है कोई बाद में होता है तो जिन स्टूडेंट्स का अलग सीरीज है चाहे वो बी सी डी है वो इस सीरीज को देखे इसी से वो बाकी क्वेश्चन भी आपको निकलेंगे सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सोशल रिसर्च स्टार्ट राइट आंसर है क्वेश्चन इज सोशल रिसर्च इज़ इसका राइट right आंसर है सी पार्ट बूथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च इज सिस्टमैटिक मेथड टू डिस्कवर न्यू फैक्टर्स और टू वेरीफाई ओल्ड फैक्टर्स इसका राइट right आंसर है बी पार्ट पी वी यंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर एम ऑफ सोशल रिसर्च इज इसका राइट right आंसर है ए पार्ट थल नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस इन सोशल रिसर्च इज ड्यू टू इसका राइट right आंसर है ए पार्ट सब्जेक्टिविटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट द स्टेप ऑफ सोशल रिसर्च इसका राइट right आंसर है सी पार्ट हाइपोथीसिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सोशल रिसर्च इज इसका राइट आंसर है ए पार्ट टू सेलेक्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च इन्वॉल्व इसका राइट आंसर है डी पार्ट बूथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल रिसर्च इज ओनली बेस्ड ऑन इसका राइट आंसर है सी पार्ट बूथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फील्ड वर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इसका राइट आंसर है ए पार्ट प्राइमरी डाटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ सेंसस इन रिसर्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ इसका राइट आंसर है ए पार्ट प्राइमरी डाटा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनफीरियंसिस ऑफ रिसर्च शुड बी इसका राइट आंसर है ए पार्ट रिलेबल नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिलेक्शन फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन विच फाउंड टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पॉपुलेशन इज कॉल्ड इसका राइट right आंसर है बी पार्ट सैंपल नेक्स्ट क्वेश्चन है रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज डंट नो इसका राइट right आंसर है डी पार्ट ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इसका राइट right आंसर है डी पार्ट कोटा सैंपलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्चर इसका राइट आंसर है ए पार्ट बेसड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट द फीचर ऑफ गुड रिसर्च डिजाइन इसका राइट आंसर है ए पार्ट इट एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटेंटेटिव आंसर टू रिसर्च प्रॉब्लम इज कॉल्ड इसका राइट आंसर है सी पार्ट हाइपोथीसिस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज सैंपलिंग मेथड इज ए प्रोबेबिलिटी मैथड इसका राइट right आंसर है बी पार्ट सिंपल रैंडम सैंपलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ नॉन प्रबेबिलिटी सैंपलिंग इसका राइट right आंसर है सी पार्ट द रिजल्ट आर नेवर रिप्रेजेंटेटिव नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज ए इसका राइट right आंसर है बी पार्ट प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंपल इज ए पार्ट ऑफ इसका राइट आंसर है डी पार्ट पॉपुलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रैंडम सैंपलिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन आइटम इज इसका राइट आंसर है सी पार्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सैंपलिंग मेथड इज यूज फॉर हिडन पॉपुलेशन इसका राइट आंसर है बी पार्ट स्नोबॉल नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर ए सैंपल इज टेकन द पॉपुलेशन मस्ट बी इसका राइट आंसर है ए पार्ट डिफाइनड नेक्स्ट क्वेश्चन इज पायलट इज स्टडी इज डन इसका राइट आंसर है ए पार्ट बिफोर कलेक्टिंग द डाटा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिफाइड सैंपलिंग मीन्स इसका राइट आंसर है डी पार्ट ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वीनियंस सैंपलिंग इज इसका राइट right आंसर है डी पार्ट रिप्रेजेंटेटिव नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन मीडियन एंड मूड और इसका राइट right आंसर है सी पार्ट मेजर्स ऑफ कंट्रोल टेंडेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च मीन्स इसका राइट right आंसर है डी पार्ट बूथ सी एंड डी नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक रिसर्च मेथड इज रिटर्न बाई इसका राइट right आंसर है सी पार्ट राम आहूजा नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पेरिकल स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन इसका राइट आंसर है बी पार्ट डाटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिसर्चर आस्कस हंड्रेड स्टूडेंटस फ्रॉम ए कॉलेज विथ फोर हंड्रेड स्टूडेंटस टू कंप्लीट ए सर्वे ऑफ द लाइब्रेरी द हंड्रेन स्टूडेंटस आर ए इसका राइट आंसर है डी पार्ट सैंपल नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च क्वेश्चन शुड बी इसका राइट right आंसर है सी पार्ट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिव्यू ऑफ लिटरेचर रुकायर्स इसका राइट right आंसर है डी पार्ट ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिलिमेरिन प्रमेरी डाटा कोलेक्शन इज पार्ट ऑफ द इसका राइट right आंसर है सी पार्ट डिस्क्रिप्टिव डिजाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ रिसर्च इसका राइट आंसर है डी पार्ट ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी डाटा कैन ऑलमोस्ट बी ऑब मोर क्विकली देन डैश डैश डाटा इसका राइट आंसर है बी पार्ट प्राइमरी नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ डैश डैश डिज़ाइन इज टू डेवलप ए क्लियर एंड प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम इसका राइट आंसर है बी पार्ट एक्सप्लोरेटरी नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ स्टैस्टिक्स इज इसका राइट आंसर है ए पार्ट डाटा इट्स एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एग्रीगेट ऑफ नॉलेज ब्रॉट टुगेदर फॉर प्रैक्टिकल एंड्स इसका राइट आंसर है ए पार्ट ए एल बाउले नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेस्टिस्टिक शुड बी कैपेबल ऑफ इसका राइट आंसर है ए पार्ट Evaluation. Next question hai, What are the two major functions of statistical methods in social research? Is right answer hai, C part description and induction? Next question a non proportional random sampling is subtype of is right answer hai, C part stratified random sampling? Next question a snowball sampling is used for data collection through on. इसका राइट आंसर है डी पार्ट कनेक्टिंग रिलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरिंग स्कोर इन ए डिस्ट्रीब्यूशन इसका राइट आंसर है बी पार्ट मोड नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी इज मेजर्ड बाय। इसका राइट आंसर है सी पार्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है नी वेरिएबल दैट ब्रिंग्स चेंज इज कॉल्ड इसका राइट आंसर है बी पार्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योर रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज इसका राइट आंसर है बी पार्ट फंडामेंटल रिसर्च नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लान फॉर रिसर्च इज नोन एज इसका राइट आंसर है ए पार्ट रिसर्च डिजाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैश डैश क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन वन ऑफ द टू रेस्पॉन्सेज इसका राइट आंसर है सी पार्ट डिकोटोमोस नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल इज नेसेसरी इनग्रीडियंट ऑफ डैश डैश मेथड इसका राइट आंसर है डी पार्ट एक्सपेरिमेंटल नेक्स्ट क्वेश्चन है कंक्लूजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स विदाउट एनी बेस इज कॉल्ड इसका राइट आंसर है बी पार्ट ऑब्जेक्टिविटी नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ नंबर इज द इसका राइट आंसर है सी पार्ट मिड एन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसका राइट आंसर है डी पार्ट स्टैंडर्ड डिविएशन नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिविएशन अबाउट द मीन इज ऑलवेज इसका राइट आंसर है ए पार्ट पॉजिटिव नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा सैम्पलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इसका राइट आंसर है बी पार्ट नॉन प्रावेबिलिटी सैम्पलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज दट इसका राइट आंसर है व्हेन साइज ऑफ सैंपल इंक्रीजेज द साइज ऑफ सैंपल एरर इसका राइट आंसर है ए पार्ट डिक्रीजेज नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इज साइमेट्रिकल वेन इसका राइट right आंसर है डी पार्ट मीन मिडेन एंड मोड वैल्यूज आर इक्वल सो डियर स्टूडेंट आई होप की वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी टिल देन टेक केयर